नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मंडप सजा था, डीजे बज रहा था, बारात लड़की के द्वार पर पहुंची और दूल्हा कार से उतरकर दोस्तों के साथ डांस करने लगा। डीजे की धुन पर उसका डिस्को डांस इतना लंबा चला कि लड़की का पिता नाराज हो गया और शादी में पहुंचे एक अन्य लड़के को बुलाकर उसे अपनी बेटी सौंप दी। ये कहानी सुनने में फिल्मी नजर आ रही है, लेकिन इसमें सच्चाई है। घटना महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की है। लड़की के पिता का आरोप है कि दूल्हा शराब के नशे में धुत था, इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी किसी और से करा दी। ये घटना बुलढाणा जिले के मलकापुर गांव में 24 अप्रैल को हुई है। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि बाराती और दूल्हा देर से शाम 4 बजे पहुंचे और रात 8 बजे तक दूल्हा नशे में धुत होकर डांस करता रहा। इस दौरान लड़की के रिश्तेदारों ने देर से आने का कारण पूछा तो वे मारपीट करने पर उतर आए। इसके बाद लड़की वालों ने दूल्हे समेत लड़के वालों की जमकर पिटाई की और फिर उन्हें बिना खाना खिलाए भगा दिया। द्वार पर बारात आ चुकी थी और अगर लड़की की शादी नहीं होती तो बड़ी बदनामी होती। बारात में हुआ ये झगड़ा गांव के बुजुर्गों और पंचायत के पास पहुंचा और कुछ ही देर में ये तय हुआ कि इसी मंडप में लड़की की शादी होगी, लेकिन किसी और दूल्हे से। इसके बाद तलाश शुरू हुई और शादी में शामिल एक लड़का लड़की के पिता को भाग गया। पिता ने अपनी झोली फैलाई और कुछ ही देर में लड़का भी शादी करने को तैयार हो गया। खास बात यह है कि जिस लड़के से लड़की की शादी हुई वह दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।